हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू डिफेंस डायरेक्ट एजुकेशन। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं आरएमएस यानी राष्ट्र मिलिट्री स्कूल के बारे में। आरएमएस को किंग जॉर्ज रॉयल इंडियन मिलिट्री स्कूल के नाम से इस्टेब्लिश किया गया था, जहां पे स्कूल का काम था डिफेंस पर्सनल के बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करना। 1952 में स्कूल को रीऑर्गेनाइज किया गया और डिफेंस सर्विस ऑफिसर्स एज वेल एज सिविलियंस दोनों के बच्चों के लिए एडमिशंस ओपन किए गए। 1954 में स्कूल जो है वो IPSC यानी इंडियन पब्लिक स्कूल कॉन्फ्रेंस का मेंबर बन गया और ये मेंबरशिप अभी तक कंटिन्यू है। उसके बाद 1966 में स्कूल का नाम बदलकर मिलिट्री स्कूल रखा गया एंड फाइनली 25 जून 2007 में मिलिट्री स्कूल का नाम बदलकर राष्ट्र मिलिट्री स्कूल रखा गया। आज इंडिया में टोटल 5 राष्ट्र मिलिट्री स्कूल हैं, जो हैं RMS चेल हिमाचल प्रदेश, RMS अजमेर राजस्थान, RMS बेलगाम कर्नाटका, RMS बेंगलुरु कर्नाटका, RMS ढोलपुर राजस्थान। राष्ट्र मिलिट्री स्कूल में एडमिशन 6th, 9th एंड 11th क्लास के लिए होते हैं। सबसे पहले कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है। इस रिटन एग्जामिनेशन में जो भी कैंडिडेट कट ऑफ मार्क्स से ऊपर स्कोर करते हैं उन सभी को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। एक बार इंटरव्यू क्लियर होने के बाद सभी कैंडिडेट्स को मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजा जाता है। अगर एज क्राइटेरिया की बात करें तो 6th क्लास के एडमिशन के लिए स्टूडेंट की एज 10 टू 12 ईयर्स होनी चाहिए, वहीं 9th क्लास में एडमिशन के लिए स्टूडेंट की एज 13 टू 15 ईयर्स होनी चाहिए। जहां पर 6th मंथ की रिलैक्सेशन उन स्टूडेंट्स को दी जाती है जिनके पेरेंट्स वॉर टाइम में शहीद हुए हैं। यहां पे एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि 11th क्लास एडमिशन के लिए जो स्टूडेंट्स हैं उनका कोई कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं होता है, बल्कि उनकी शॉर्टलिस्टिंग 10th मार्क्स के बेसिस पे होती है। अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो 6th क्लास में एडमिशन लेने के लिए एज सच कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, वहीं 9th क्लास में एडमिशन लेने के लिए या तो स्टूडेंट 8th क्लास पास होना चाहिए या करंटली 8th क्लास में पढ़ रहा होना चाहिए। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न की। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि 11th क्लास में एडमिशन लेने के लिए आपको CET देने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर अगर आप 6th क्लास या 9th क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देना होगा। अगर हम 6th क्लास एडमिशन के लिए एंट्रेंस टेस्ट के सिलेबस की बात करें तो आपसे जनरल इंटेलिजेंस, जनरल नॉलेज, मैथ्स एंड इंग्लिश इन सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और वहीं अगर हम 9th क्लास में एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस टेस्ट के सिलेबस की बात करें तो उसमें इंग्लिश, हिंदी, SST, मैथ्स एंड साइंस सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं वैकेंसीज में मिलने वाली रिजर्वेशन के बारे में। 70% सीट्स उन स्टूडेंट के लिए रिजर्व हैं जिनके पेरेंट्स इंडियन आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में JCO या OR रैंक पे मौजूद हैं, इंक्लूडिंग एक्स सर्विसमैन। वहीं 30% सीट्स उन स्टूडेंट के लिए रिजर्व हैं जिनके पेरेंट्स या तो इंडियन आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में ऑफिसर्स हैं या तो उनके पेरेंट्स सिविलियन हैं। यहाँ पर टोटल 50 सीट्स उन स्टूडेंट के लिए रिजर्व हैं जिनके पेरेंट्स युद्ध में शहीद हुए थे। इन तीनों ही कैटेगरी में 15% and 7.5% सीट्स उन स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व हैं जो कि SC या ST कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। आप प्रॉस्पेक्टर या एप्लीकेशन फॉर्म किसी भी राष्ट्र मिलिट्री स्कूल से ले सकते हैं, जिसकी फीस है ₹600 फॉर जनरल कैटेगरी एंड ₹300 फॉर SC ST। या तो आप डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू भी प्रॉस्पेक्टस मंगवा सकते हैं, जिसके लिए आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होगा इन फेवर ऑफ प्रिंसिपल राष्ट्र मिलिट्री स्कूल, जिसकी फीस है ₹650 फॉर जनरल कैटेगरी एंड ₹350 फॉर SC ST। मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। लाइक करें इस वीडियो को एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें।